इंडिया में भूमिका हमारी बहुत अच्छी होगी, जैसे सबकी होगी वैसे हमारी होगी। इंडियन है, हो सकता है चुनाव से पहले ये अपनी थोड़ी इमेज ठीक करने के लिए ऐसा हो। आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ दिखाया सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे याद रखना, और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट 4-6 फुट पर डाल देंगे। 2024 को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के भी खूब चर्चे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और सीटों के बंटवारे का क्या गणित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस राज से भी पर्दा उठा दिया है। जब उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इंडिया में भूमिका हमारी बहुत अच्छी होगी, जैसे सबकी होगी वैसे हमारी होगी। सीटों को लेकर क्या है, सीटों को लेकर क्या है भाजपा? सीटों में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत समाजवादी पार्टी लड़ेगी उसमें क्या दिक्कत है? तो अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया में सपा की क्या भूमिका रहने वाली है। वहीं घोसी उपचुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा तो इस मामले पर भी अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए मायावती पर तंज कर दिया है। उनकी पार्टी का है ये निर्णय, हो सकता है चुनाव से पहले ये अपनी थोड़ी इमेज ठीक करने के लिए फैसला हो, लेकिन घोसी की जनता पहले ही मन बना चुकी थी कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। यानी अखिलेश यादव ने इसे 2024 के लिए बसपा की तैयारी का हिस्सा बता दिया है। वहीं योगी सरकार को घेरने से भी अखिलेश नहीं चूके, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। खबरों को लेकर एक फरमान योगी सरकार ने लाया, आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ दिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, जहाँ आजादी नहीं प्रेस को, सोचो ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे याद रखना, और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट 4-6 बूथ पर डाल देंगे। जब बात चुनाव की चल रही थी तो 2024 को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ी बातें कह दी। वर्तमान सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने 2024 में बीजेपी के सत्ता से जाने की बात भी कह डाली है। बिजली आ नहीं रही, आ भी रही है तो बिल इतना महंगा आ रहा है जो दे नहीं पा रहे। गरीबों को मिलावट का तेल खिलाया और अब केवल 100 रुपए का अनाज दे करके गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किसान को सम्मान राशि दे करके उसका खुशहाली का रास्ता रोक रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी और मंडी में कोई भी रेट सरकार नहीं दे पा रही है। सड़कों पे जहां लगातार जानवर घूम रहे हैं वो विकसित देश क्या बनाएंगे? जो बात लाल किले से कही जाए कम से कम उसको संकल्प माने और उसको पूरा करें, लेकिन लाल किले से कही हुई बात भी धोखा है जनता के लिए। इसलिए आने वाले समय में 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी, उनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगेगी। इस तरह अखिलेश अपने विरोधियों पर जमकर तीखे हमले करते नजर आए हैं। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के इन बयानों पर क्या रिएक्शन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।